अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबके मंगल की, कल्याण की, संसार सागर से पार होने की देशना देते हैं, उस प्रभु की देशना को, ज्ञान को, साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा मैत्री आज भी हमारे पास है, उनकी ही उपदेशों को सूत्र रूप में बद्ध है हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र में समकित पराक्रम के अंदर कल भी चर्चा चली थी, उसको फिर विस्तार से करेंगे। वीर आय का इनंग भनते जीवे कि हे भगवान, वीतरागता से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? वीतरागता से स्नेह बंध तृष्णानुबंध का व्यवच्छेद हो जाते हैं। संसार में हम सब बंधे हैं, एक स्नेह और एक तृष्णा व्यक्ति को, मोह और तृष्णा ही संसार से हम मन रहे हैं। प्रिय अप्रिय शब्द रूप रस गंध स्पर्श सचित अचित मिश्र द्रव्यों से उसका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये प्रिय अप्रिय सुख दुख का सौवैराग्य हो जाता है। वैराग्य वीतरागता तीन बातें बार बार आपने सुनी हैं, त्याग वैराग्य और वीतरागता। हमें त्याग किसका करना है बोलिए, त्याग किसका करना है? मिथ्यात्व का त्याग करना है, मोह। और फिर वैराग्य, वैराग्य में हमें संसार की सारे आकर्षण छूट जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वैराग्य के भीतर जब आते हैं संसार के। और वीतरागता
ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जगत में धन पद यश प्रतिष्ठा सौभाग्य को माना जाता है, परंतु ये धन पद प्रतिष्ठा कंचन कामनी देवलोकों के सुख हीरे जवाहरात बहुत बार मिले और चले गए, इसको सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। सौभाग्य वह है जो अखंड है, शाश्वत है, जिसका रस और सुख निरंतर बढ़ता चला जाए, बिछुड़ता ना। फिर सौभाग्य क्या है? कल्चर जिन देवों की देशना में वीतरागता को वीर आए गए नंग, वीतरागता परम सौभाग्य है। वीतरागता कर्त जहाँ राग का अभाव हो गया है, जहाँ द्वेष धुल गया है, राग का अभाव हो गया, वैराग्य से बढ़कर के अन्य कुछ भी सौभाग्य नहीं है। सुखा विरागता लोके बुद्ध कहते हैं, जगत में वीतरागता से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। विचार पूर्वक देखता हूँ तो अनुभव होता है निवृत्ति ही वैराग्य है, वही सुख है। एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। हम सभी प्रवृत्ति में सुख मानते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है संसार के धन दौलत में खूब व्यक्ति आता है जाता है, धन कमाता, अंधी दौड़ लगी रहती है, चींटी से हाथी तक प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा रहता है, और जीव अपने सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त कर नहीं सकता। सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ये स्नेह का बंधन नेह, राग के बंधन भयंकर हैं, क्लिष्ट हैं, इन्हें तोड़ना सहज नहीं है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, नथी राग सामोगि नथी दोष सामोगहो नथी मोह सामंजारम नथी ताना समानरी। राग के समान एक अग्नि नहीं है। एक अग्नि है जो बाहर से जलाती है, एक राग जिसका आपसे राग है, परिवार में चाहे आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका धन, आपका वैभव, सुख सुविधा के साधन, वो राग बुद्ध कहते हैं वो अग्नि है जो जलाती है भीतर से। आपको लगता नहीं, परंतु वो धीरे धीरे आपको अंतर से जला देती है। नथी दोष समोह कहो, द्वेष, द्वेष जिससे द्वेष होता है जैसे भूत पिशाच, वो पीछे लग जाता है व्यक्ति के, उसको छोड़ता नहीं। ऐसे जिससे द्वेष हो जाता है व्यक्ति को, उसके बारे में चिंतन आर्त रुद्र ध्यान चलता रहता है और उसको द्वेष में जीवन व्यतीत कर देता है। नथी मोह समंग जालम, एक जाल जो आप देखते हैं, मोह का जाल, सारा संसार जकड़ा हुआ है, हम सब जकड़े, इसका कारण क्या है? मोह। नथी मोह समंग जालम नथी तन्हा समा नदी, एक नदी बहती है परंतु वो नदी तो बह जाती है, तृष्णा की नदी, ऐसी नदी जो बहती है बहती है बहती है, उसका समाप्त नहीं होता। तो चार भावें बहुत महत्वपूर्ण, नथी राग समोगी नथी दोष समोगहो नथी मोह समंग जलंग नथी तना समा नदी। राग द्वेष और मोह और तृष्णा, चार बातें हैं। यही भगवान महावीर ने कहा अत्वतन सूत्र के अंदर, रागो यदोसो बीय कम बीयं कमं च मोह भवं व्यन्ति, रागो यदोसो बीय कमं कमं च मोह कम्मां च जाई मरणस्य
मरणं वयन्ति। संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, इसका कर्म का बीज राग और द्वेष। जब तक राग रहेगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, चाहे कोई मुनि बन जाए, महाव्रत धारण कर ले, तपस्या कर ले, सब कुछ कर ले, यदि वो राग समाप्त नहीं होता, राग के साथ द्वेष, भगवान को वीतरागता कहा है, भी द्वेष ही नहीं कर, राग चला गया तो द्वेष अपने आप चला जाता है। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं, और कर्म किससे पैदा होता है? मोह से पैदा होता है। जन्म मरण का कारण क्या है? कर्म। और जन्म और मृत्यु दुख के हेतु कहे गए हैं, तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हम क्यों कर्म कर रहे हैं, क्यों राग और द्वेष में उलझ रहे हैं। कर्म से जो मोह उत्पन्न होता है, क्यों होता है? स्नेह स्नेहिं करहिं, जो तुझसे स्नेह करते हैं उससे भी निस्नेह भाव से रहे। भगवान की वाणी आती है, अचान्त कालस समूलगस सवस दुख उजो पमखो तंभास्यो मे परिपूर्ण चित्ता सुनहिगन्तहियङ्गियत्त। अचन्त कालस्य समूलगस्य सवस दुःखस्य उजोपमुखो तं भास्यो मे परिपूर्ण चित्ता सुनहिगन्तहियङ्गियत्त। हे भव्य जीवो, अत्यंत अनादिकाल से मूल सहित रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला, सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला एकांत हित और कल्याणकारी जो उपाय है, उससे मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर किसे सुनो। भगवान फरमा रहे हैं कि अनादिकाल से मूल से रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला एकांत हित और कल्याणकारी जो उपाय है, उसे मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर से सुनो। नानस सवस पगा सनाए अन्नान मोह सविवजनाए रागस दोषस है संखेण रागस दोषस है संखेण एगांत सोखं समुवे मोखं। नानस सवस पगा सुनाए, अंदर बजा लो, नानस सवस पगा सुनाए अन्नान मोहस विभज्जनाए रागस दोषस यह संखेनं एगंत सुखं समुवेई मोखं। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, राग और द्वेष के संपूर्ण क्षय से, एकांत सुख रूप मोक्ष जीव को प्राप्त करता है। मोक्ष कब मिलता है? जब केवल ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से। नानस सवस पगासनाए, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश कब होता है? अन्नान मोहस्य विभजन, अज्ञान और मोह का जब त्याग होता है, अज्ञान का। रागस दोषस यह संख्यन, राग और द्वेष का क्षय हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वो कान सुख रूप मोक्ष का जो उपाय है,
यह जीव प्राप्त कर लेता है एकांत एकत्व की भावना में यदि आप रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जीवन में हम संयोग को महत्व देते हैं, भगवान कहते हैं संयोग को छोड़ करके आप एकत्व की भावना की आ पाए। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट परिजन। जब देही अपने नहीं है तो घर संपत्ति ये कैसे हो सकते, तो चिंतन कीजिए ये देह ये जो हम इस देह के लिए कितनी सुरक्षा करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है माँ के गर्भ से लेकर बच्चा बाहर आता है, बच्चे के जन्म के बाद कितना लालन पोषण किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, ये सब किसके लिए किया जाता है। एक है देह और एक आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा हैं, साथ साथ हैं परंतु दोनों अलग अलग हैं। तो आज तक हमने संसार में किसको महत्व दिया, देह को महत्व दिया। देह को जरा सा दुख होता है, पीड़ा होती है, बीमारी आती है, धन चला जाता है, कई बार अपने ही रिश्ते नाते भूल जाते हैं तो कितना पीड़ा होती है। परंतु देह का ममत्व जब तक नहीं छूटेगा तब तक व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए देह को क्या समझो, अपना मत मानो। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, देह को अपना मानोगे तो संसार आपका अपना है, देह को अपना नहीं मानते तो आपका कोई नहीं है। ये घर संपत्ति ये सब परिजन है, लोग हैं, ये सब देह से आकर्षित हैं। तो सारा संसार जो टिका हुआ है आपकी देह के कारण टिका हुआ है। तो देह को ज़्यादा महत्व ना दो। कल भी कहा था सुखी होने का कारण क्या बताया बयान ने, आया व्याही चैसो गमल्ला कामे कमाई कमियों को दुख छिंदा ही दोसा विनिये जरागा एही हो ही सी सांपरा। देह की अतापना, देह का मोह तोड़ने के लिए भगवान ने मार्ग बताया। आया व्याही चैसो गमल अतापना, अपने देह के लिए अतापना। जब गर्मी लगे, गर्मी आ जाए तो धूप में बैठो थोड़ी देर के लिए, अतापना लो। सर्दी है तो वस्त्र उतार लो, अतापना लो। आया व्याही चैसो गमलन, सुकमालता जो देह की है कि हमें सोने के लिए एसी कमरा चाहिए, होटल चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, घर का भोजन पसंद नहीं आता तो लोग बाहर जाते हैं खाते हैं, ये सब देह की सुकुमारता की बात है। अतः अपना लें, सुकुमारता को छोड़ दें। कामे कमाही कमियों को दुख, ये कामनाएं, कामनाओं का सिलसिला चलता रहता है। कामनाएं जब तक जीवन में हैं तब तक संसार की वृद्धि होती रहती है। इसके लिए क्या करना है, कामे कमाही कमियों को दुखंग छिंदा ही दोसंग विनेज रागम, दोष का छेदन करो, राग का भेदन करो, तुम सुखी हो जाओ। भगवान ने सुखी होने का मार्ग बताया कि राग और द्वेष का छेदन, अतः अपना लो, कामनाओं का त्याग करो तो आप सुखी हो सकते हो। और सुखी होने का कोई भी राजमार्ग नहीं है। एक छोटी सी घटना घटती है। एक फकीर ग्रस्त थे, पति पत्नी दोनों रहते थे,
नमाज में जाते, प्रार्थना करते, दोनों का जीवन चल रहा था, कोई बच्चा नहीं था। अचानक बुढ़ापे में दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए। बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, बच्चे बड़े हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 साल बीत गए। तो नित्य क्रम था कि फकीर जब वो घर आता, अपने बेटों को बुलाता, इकट्ठे खाना खाते, प्रार्थना करते, आपस में बड़ा एक स्नेह भाव था, आदर का भाव था। एक घटना घटी, दोनों बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे, पड़ोस का मकान था, वो बच्चे खेल रहे थे, छत गिर गई अचानक, और छत के गिरने से दोनों बच्चे ही प्राणांत हो गए, दोनों ही जीवन से चूक गए, दोनों का जीवन समाप्त हो गया। जब उसकी माँ ने, फकीर की पत्नी ने देखा, तो देखो कितनी दृढ़ता से धर्म को समझा और वह अपने बेटों को ऊपर चादर डाल करके वापस आ गए। इतने में फकीर नमाज पढ़ के आया, अचानक जब वो आया तो इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे, बच्चे भी वो भी। वैसे ही यदि एक अच्छा नियम है हमारी भारत की संस्कृति में, जब आप घर में जाओ तो इकट्ठे भोजन करो, एक परिवार का एक अच्छा नियम होता है। इकट्ठे भोजन करने से क्या लाभ होता है? प्रेम बढ़ता है, सुख दुख के साथ बन जाते हैं, और समय पर कुछ भी आपको कुछ कहना है तो इकट्ठे बैठ के कह सकते हो, बाकी तो समय अलग अलग होता है। तो आजकल ये प्रथा नहीं रही, फैमिली डिवाइडेड हो गई है, घर में मैं दो और हमारे दो। पहले बड़ा परिवार होता था, 20-25 लोग घर में रहते थे, एक ही दादी माँ या माँ भोजन बनाती थी, इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते थे, कोई भेदभाव नहीं था। मैं भी जब अमेरिका गया तो मैंने देखा कि अमेरिकन लोग ये टेबल मैनर्स को बहुत पसंद करते हैं। जब मैं उनकी फैमिली में रहा कुछ दिन, तो घर का बड़ा, पिता, माँ, बच्चे एक टेबल पे बैठते हैं और वो भोजन करते हैं, और भोजन करते समय वो बड़े नियमों का पालन करते हैं। यदि भोजन करते समय आपको उबासी आ गई, डकार आ गया, तो आपको कहते लीव द टेबल, टेबल छोड़ दो, कोई और कहना हो तो तुरंत आपको एक्सक्यूज में कहना पड़ता है। और घर का पिता पहले प्रार्थना करता है, ओ गॉड, ओ फादर, यू हैव गिवन सच एंड सच फूड टू अस, वी प्रे फॉर योर गुड फूड, ऑल द थिंग्स ओ गॉड यू हैव गिवन। पिता प्रार्थना करने के बाद फिर वो भोजन शुरू करते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, और आपस में कुछ कहना होता है, सुबह सुबह मिलते हैं, बात तो मिलते नहीं, तो उनके ऊपर एक फ्रिज पेपर, जो भी कुछ कहना है वो लिख दो कि आई विल नॉट लाइक दिस थिंग, आई डू लाइक दैट, नेट मैं इतने बजे आऊँगा, वो देखते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ, आप भी जब बैठो, नवकार मंत्र पढ़ो, कोई प्रार्थना करो, छोटे बच्चों को प्रार्थना सिखाओ, और प्रार्थना करने के बाद फिर भोजन करो। इससे प्रेम, सहानुभूति बढ़ता है। कहते हैं भजन और भोजन क्या करना चाहिए? इकट्ठे करना चाहिए।
घर में चाहे आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, इकट्ठे बैठ के करो। इकट्ठे बैठने से क्या होगा, ऊर्जा बढ़ती है। एक दिया जलता है, 10 इकट्ठे दिए जलते हैं तो 10 रोशनी का प्रकाश आ जाता है। ऐसी इकट्ठा भजन और भोजन इकट्ठे करने से उस परिवार में कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं। यदि मान लीजिए आपस में भाइयों भाइयों का झगड़ा हो गया, पिता बेटे का झगड़ा हो गया, सासू बहू का झगड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा, आप इकट्ठे नहीं बैठ पाओगे, आप इकट्ठे भोजन कर ही नहीं पाओगे। और यदि झगड़ा भी हो जाता है, आप इकट्ठे बैठ जाते हो और बातचीत कर लेते हो, तो धीरे धीरे मन मुटाव मिट जाता है। तो ये बहुत भारत की संस्कृति है कि इकट्ठे बैठ के भोजन करो, इकट्ठे भजन करो, जिससे परिवार में एकता प्रेम सहानुभूति बढ़ती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आजकल तो पता ही नहीं बेटा कब आता है, नौकरी में जाता है, कब वो आते हैं, कब वो मिलते हैं, रात को भी लेट हो जाती है। जब भी आप शाम को आओ, अपने माता से, पिता से, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं दादा से, उनके पास बैठो, 15-20 आधा घंटा बैठो, उनका सुख दुख की बात करो, कुछ ना करो, हाँ में हाँ ही मिला दो, बड़े बुजुर्ग खुश हो जाते हैं। घर में दादी है, दादा है, माता पिता है, उनके पास बैठो, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, उसके सुख दुख में आपको भागीदार होना ही चाहिए। ये हमारी नैतिकता व्यवहार दृष्टि भी कहती है। तो ऐसी वो फकीर जब वो आया, पूछा पत्नी से कि बेटे कहाँ हैं, क्योंकि भोजन का समय हो गया और भोजन करना है। अब उसने क्या प्रश्न किया, देखिए कई बार समझ से कैसे बात करनी होती है, कई बार कोई बात कहनी है तो कहने का एक ढंग होता है, एक सूझबूझ होती है। घर की पत्नी, जो बहन या माँ या पिता, वो कैसे बात करे, उस बात को बड़े गहराई से समझा जा सके। उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, यदि हमारे घर में कोई 2 हीरे दे गया हो इमानत के लिए, तो वो लेने आ जाए तो क्या हमें उसको लौटा देना चाहिए या रख लेना चाहिए? क्या पूछा, आपके घर में कोई 2 हीरे दे गया या कुछ सामान दे गया, वो लेने वाला आ गया तो क्या करना चाहिए? निश्चित आप कहोगे जो लेने वाला आ गया उसको दे दो। उस फकीर ने कहा, इसमें मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, हीरा लेने वाला आ गया उसको दे देने चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि उसकी इमानत हमारा है ही नहीं, उसके हीरे वो रख गया, दे देने चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो अब अपने पति को कहाँ ले गई, पड़ोस में ले गई, जहाँ बच्चे लाश पड़ी हुई थी, ऊपर सफ़ेद चादर रखे, चादर उठाया, देखा कि दोनों बच्चे चले गए। उसने देखा कि देखो बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे, मैं अपने काम में लगी हुई थी, अचानक छत गिरी और दोनों ही बच्चे चले गए। अब उस फकीर ने क्या कहा, अच्छा परमात्मा की मर्जी, उसने दिए थे वो ले गया, जब बच्चे नहीं थे तब भी हम सुखी थे, अब बच्चे हो गए तब भी हम सुखी, अब बच्चे चले गए तब हम दुखी हुए। चलो जीवन तो आनंद से जीना चाहिए। ऐसी घटना भी जीवन में कई बार आती है, और कैसे जो घर की पत्नी है वो कैसे ढंग से बात करे, ताकि उसको बात को समझाया जा सके, कहा जा सके, किस तरह से उसने बात को समेटा। खाना परोसा, कहते पहले खाना खा लो,
बच्चे तो आते हैं, कहते बच्चे कहाँ गए, बच्चे आ जाते हैं, तुम खाना खाना ही, बच्चों को बुलाओ। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति हीरा दे गया हो, दो हीरे, तो क्या हमें रख लेना चाहिए या वापस करना चाहिए? वापस कर देने चाहिए। फिर उसने बताया, घटना बताई और दोनों खुश हो गए। तो ये है, जीवन में प्रिय अप्रिय घटना घटती है, हर किसी के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी रोग है, कभी मृत्यु है, कभी जन्म है, कभी मरण। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से संसार जो चला आ रहा है उसको हम संसार को संसार के ढंग से लें और अपने हिसाब से हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। इसलिए वीतरागता जीवन में परम सौभाग्य है। इतना वीतरागता आएगी, त्याग बढ़ेगा, आपके भीतर वैराग्य आएगा। त्याग, वैराग्य और वीतरागता, यही सबसे प्रमुख है जीवन के अंदर। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, देह का आकार है, आत्मा निराकार है जिसका कोई आकार नहीं, निराकार आत्मा। मैं जीवात्मा हूँ, मन बुद्धि इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, अपने को जानो और अपने को समझो। तुम हो कौन? विचार आए तो आने देना, जाए तो जाने देना, किसी विचार को, संस्कार को महत्व नहीं देना।
आकार में निराकार आत्मा, अनंत सुख से संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, आपके भीतर के मौन और शांति का अनुभव करते रहें। मैं आत्मा सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवाध्यायानंग, नमो लोए सब साहूनंग। धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तव, देवावितंग नमंग संति, जस धम्मे स्या मनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
चार जो भव्य